घर आने के बाद भी स्नेहा बस शॉक्ड होके वही चीजें पढ़ने में है। अब जो भगवान चाहेगा वो तो होगा ही, क्या ही कर सकते हैं उसमें। एक नई सुबह की शुरुआत हो गई और कल की रात जो थी ना बहुत अजीब बीती है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और आज सुबह सुबह फिर से तीसरा दिन है कि कंटिन्यू हम सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। फिलहाल कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। सो गाइज, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि मैं हो गई हूँ तैयार। फिलहाल 9 बज गए और कल रात भर सो नहीं पाई, तो सुबह थोड़ी नींद आ गई थी, इस वजह से लेट उठी हूँ और लेट ही जाना हो रहा है। अभी माही तैयार हो रहे हैं, नाश्ता वगैरह माही ने ही बनाया, वो थोड़ा मुझसे भी लेट हो गए नाश्ता वगैरह बनाने के चक्कर में। व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है क्या बनता है, क्योंकि दिन तो हेक्टिक ही रहने वाला है आज का। तो शामिल कर लेते हैं आप लोगों को अपने दिन में। सो जब तक स्नेहा आती है मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि बाइक से कवर हटाना है अभी। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए, और आज स्नेहा को दिखाना है, क्योंकि रात को स्नेहा को काफ़ी दिक्कत हो गई थी इस वजह से। तो अभी पहुँचे हम कुमौड़ बैंड, और आजकल थोड़ी भी स्नेहा की तबीयत ख़राब होती है ना, खासतौर पर पेट से जुड़ी कुछ भी दिक्कत होती है तो हालत ख़राब हो जाती है। उसी टाइम फिर सोचने लग जाते हैं यार काश अभी हॉस्पिटल जा पाते करके। तो देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, दिखाना तो है ही। फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं गांधी चौक, और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। पहुँच ही गए हैं हॉस्पिटल, बस यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह मिल जाए। वैसे अभी तो पूरी पार्किंग खाली ही होगी, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, पूरा खाली ही है वैसे। सो पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल में, एक दो ही लोग हैं पर्ची की लाइन में, अभी नंबर लग ही जाएगा। आज का मौसम आप लोगों को यहीं से दिखा रहा हूं, एकदम क्लीन मौसम है। सुबह थोड़ा जल्दीबाजी में ही आए थे आज, रात भर तो स्नेहा सो नहीं पाई थी। तो फिलहाल पर्चा भी बन चुका है हमारा, हमेशा की तरह आज भी दूसरा नंबर है हमारा, हमेशा फर्स्ट होता आज दूसरा। थोड़ा सा लेट हुए हैं, ज़्यादा नहीं। पहुँचने को तो 9 बजे पहुँच गए थे हम, लेकिन थोड़ा सा ना डर सा लग गया, रात में तबीयत ख़राब हुई, तो अभी ठीक है स्नेहा, और बाकी डॉक्टर तो आएंगे 10-10:30 बजे। तो पर्चा जमा हो गया है, दूसरा ही नंबर है, तो अभी मैं जा रहा हूँ आधार की कॉपी करने। सो फोटो स्टेट वाला काम भी हो गया, अभी चलते हैं सीधे हॉस्पिटल। पता नहीं क्या दिक्कत है, अब फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, जल्दी आने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। 9 बजे पहुँच गए थे और 10-10:30 बजे नंबर आया स्नेहा का, थोड़ा सा डॉक्टर लेट आए, और अभी डॉक्टर के पास वाला काम हो गया है। और मैं देखो ये गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति के नीचे धूप सेक रहा हूँ, हालांकि अब धूप थोड़ी तेज़ लगने लग गई है। और तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, तो अल्ट्रासाउंड में भी पहला ही नंबर है हमारा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा लगभग 11-12 बजे, फिर निकलेंगे। अब तो जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं ना, बड़ी डर सी लगने लग गई है, थोड़ी सी बात में भी डर लगने लग जाता है, तो इसीलिए हम सुबह सुबह यहाँ आ गए आज। आजकल ठंड की वजह से ना लोग लेट आते हैं, देखिए अब धीरे धीरे भीड़ बहुत बढ़ गई है। तो दोपहर में 12 बजे हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल से, उसके बाद कुछ सूट करने का मन तो किया नहीं, लेकिन अभी मैं पानी लेने आया था ना, मैंने कहा सूट कर लेता हूँ कुछ। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं आई आज कुछ टाइम के बाद, 1 महीने पहले हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रिपोर्ट में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई, एक्चुअली उसके पेट में दर्द कर रहा था, तो हमने दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके भी यहाँ पे हमने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर रिपोर्ट में कुछ ठीक नहीं आया, मतलब वो सब स्नेहा बताएगी। बाकी मैंने स्नेहा को बोला था थोड़ा बहुत सूट कर लेना, बताना क्या बताया है डॉक्टर ने, तो उसने मना कर दिया, वो थोड़ा शॉक टाइप की हो गई थी। तो इस चक्कर में कुछ सूट नहीं किया, वहाँ से आने के बाद वैसे ही मूड ख़राब हो गया। अब बताएंगे उसके बारे में भी क्या बताया डॉक्टर ने, मतलब ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। और एक तो स्नेहा इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते रहती है ना, तो इसकी वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई और शॉक्ड भी होगी, डॉक्टर ने भी ऐसा ही बताया, दिक्कत तो है मतलब। बाकी अब देखते हैं मेडिसिन वगैरह उनसे कितने हद तक ठीक हो पाता है। तो कल भी जाना है हमने हॉस्पिटल, जाना पड़ेगा कल भी, क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट रह गए हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह, तो वो सब करवाने हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाना है। और तो 15 दिन की दवाइयाँ दे रखी हैं डॉक्टर ने, तो काफ़ी शॉकिंग था आज का दिन, क्योंकि 1 महीने पहले सब कुछ नॉर्मल था, एकदम अच्छा था, मतलब रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा था,
अचानक से मतलब एक महीने में रिपोर्ट पूरी चेंज सी हो गई। तो इस वजह से घर आने के बाद भी स्नेहा बस सॉक्ड हो के वही चीज़ें पढ़ने में है, तो फिर मूड भी नहीं किया घर पे कुछ शूट करने का। मैंने कहा मैं पानी ले आता हूँ, तो यहाँ आके आराम से बैठ के मैं कर रहा हूँ यहाँ पे शूट। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब जो भगवान चाहेगा वो तो होगा ही, क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो बाकी इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं यार, तो इसके लिए सॉरी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को। बाय।